अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं हनी टीवी। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन जैसे पुरस्कार चीज़ों का नाम लिया जाए तो सबसे पहले हमारे जहन में बरमूडा ट्राइंगल आता है। दोस्तों, ये काफ़ी खौफनाक जगह है। यहाँ काफ़ी से जहाज गए, और आज की इस वीडियो में आपको बरमूडा ट्राइंगल और बहुत सी ऐसी झीलों के मतलब या जंगलों के मतलब बताऊँगा जो आपको हैरान कर देंगी, और ऐसी जगहों ऐसे पार्क जो जापान में चाइना में हैं, तो सबके बारे में जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले दोस्तों, बरमूडा ट्राइंगल अगर कोई ऐसी जगह हो जो पूरे सरार हो, इंतहाई हो, खतरे के साथ जोड़ती हो, तो हमारे जहन में सबसे पहले बरमूडा ट्राइंगल आता है। ये ओशन में वाक़ है, अटलांटिक ओशन में वाक़ है, जिसके मियामीपुर, टोरिको और बरमूडा से घेरे हुए हैं। इस ट्राइंगल को डेविल्स ट्राइंगल भी कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये कई सैकड़ों सालों से बहरी जहाज़ों को निकल गया है, जो कई जिनके कोई निशान नहीं बचे। इन जहाज़ों की गुमशुदगी के पीछे ये नज़रिया है कि ये बदमाश इस बरमूडा ट्राइंगल की बदमाश लहरें उन जहाज़ों को अपने अंदर ले गई। लाइक तो कसरत से रोनुमा होने वाले ये जहाज़ का अभी तक कोई नहीं पता चल सका। इनका सिर्फ अल्लाह ही हामी और नासिर है, और इनके बारे में अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये काफ़ी मिस्टीरियस प्लेस है। इसको बरमूडा ट्राइंगल और डेविल्स ट्राइंगल कहा जाता है। अब दोस्तों, लेक हिलर ऑस्ट्रेलिया। ये झील दुनिया की चंद जगहों में से एक है जो बहुत ही पुरेसरार खूबसूरत है। इस झील के किनारे ब्लू पानी है और सब्ज पौधे हैं जो इसको खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन इसका पानी गुलाबी कलर का है, जो अपना मुनफरिद रंग काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसका रंग आप देख सकते हैं तस्वीर में, इसको जो जो कि नीले पानी और सब्ज रखतों के पास, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। चंद चीज़ों के पीछे हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको इंजॉय करना चाहिए। अब दोस्तों, चलते हैं अगली मिस्टीरियस प्लेस के बारे में, जानते हैं ओकीगारा फॉरेस्ट, जापान। जापान के बारे में बहुत सी पुरेसरार चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन ओकीगारा इसमें में सबसे अजीब है। कई सालों से ये जंगल एक चीज़ के लिए जाना जाता है, खुदकुशी के लिए। यहाँ बहुत से लोग आकर खुदकुशी करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक एक साल में 100 से ज़्यादा लाशें निकाली जाती हैं यहाँ इस जंगल से। पता नहीं लोग यहाँ इस जंगल को अपनी आखिरी आरामगाह क्यों बनाते हैं। लाइक पता नहीं उनको कोई सुकून से मिलता है, लाइक इस तरह का कोई होगा, उनकी कोई फिजिक होगी, हर किसी की अपनी साइकोलॉजी है। लाइक तो वो यहाँ आकर खुदकुशी करते हैं। और अगली मिस्टीरियस प्लेस है ईस्टर आइलैंड स्टेटस चिल चाइल्ड। ये जजीरा अपने कदीम और बड़े अजीबो गरीब 1043 मुजस्मों के लिए मशहूर है, जिनकी मुर्दा निगाहें और जिनकी ऊंचाई तकरीबन 13 फुट और वजन 10 मीटर मैट्रिक टन है। ये जिसमें रापानवी नेशनल पार्क में मौजूद हैं। ये भी प्लेस काफ़ी मिस्टीरियस है। इसको आप दूर से व्यू करें तो इसके अंदर 1043 मुजस्मे हैं, जिनकी हद ऊंचाई 13 मीटर है, 13 फुट है, और वजन तकरीबन 10 मैट्रिक टन है। और आखिरी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस प्लेस है दोस्तों, वो है चांगे डांशिया नेशनल जियोग्राफिकल पार्क। ये चाइना में है, चीन के कांसू सूबे में 124 मुरबा मील के रकबे पर ये मौजूद है। इस पार्क में मौजूद है अपनी कसीर रंगी चट्टानों के तश्कील मशहूर है। इन चट्टानों के रंग लाइक डिफरेंट कलर्स हैं, इनके रंगीन मनाजिर इसको और भी खूबसूरत बनाते हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है चाइना के कांसू सूबे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।